قال الله عز وجل في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے لا تعداد انگنت हदिया दुरूदो सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन शफीउल मुज़निबीन रहमत लिल आलमीन इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते मुकद्दसा मुतहरा वास्ते जिस तरह अल्लाह सुबहानहु व तआला ने तमाम अंबिया और रसूल दे विचों पैगंबरे आखरु जमां सरवरे कौनो मकां नबीए मेहरबान सरदारे दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा मकाम व मर्तबा बढ़ाया जिमें अल्लाह सुबहानहु व ताला ने किताबां दे विचों इस पाक किताब दा कुरान करीम दा रुतबा बुलंदो बाला बनाया जिमें अल्लाह ने तमाम धरतियां दे विचों मक्का ओ मदीना नू शरफ अता फरमाया जिस तरह दिना दे विचों जुमातुल मुबारक नू शरफ अता फरमाया इसे तरह अल्लाह ने महीनिया दे विचों माहे रमजान नू बड़ा ही मकाम अता फरमाया शाबानुल मुअज्जम दे उखरवी अयाम दे अंदर और रमजानुल मुबारक दी आमद तो कबल अहदीस तो इस बात दा असबात मुयस्सर के नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम अपने खुतबा दे अंदर सहाबाए किराम नू मोमिनीन दी जमात नू माहे रमजान दियां सआदतां समेटन दी तलकीन फरमांदे और इस माहे मुकद्दस दी अहमियत फजीलत नू उजागर फरमाया कर दे ऐसे ही मुनासबत दे नाल अज दे खुतबा दे अंदर माहे रमजान दी तैयारी और माहे रमजान दी आमद और इस्तकबाल दे हवाले दे नाल गुजारशात होनगियां दुआ करो अल्लाह इस सआदतां वाले मेहमान दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए।
तो आप अलैहि सलातो सलाम ने मिंबर लगवाया, खुतबा इरशाद फरमाया और हजराते सहाबाए किराम नू इस माह मुकद्दस दी फजीलत और मकामो मर्तबा नू उजागर फरमाया। ओ माहे मुकद्दसे के जिनू पाना बहुत बड़ी गनीमत और सआदत दी बात है और यकीनन ओ साहिबे दौलत ने ओ साहिबे खजाना ने और ओ साहिबे सआदत ने जिन्हां नूं ए बाबरकत और ए मुकद्दस सआत मुयस्सर आ जान। औलियाए किराम और सहाबाए किराम अल्लाह दे नेकोकार बंदे इस माहे मुकद्दस दी सआदत नसीब करन वास्ते दो चार दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते ते महीने कबल ए दुआ फरमाया करदे सी, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, या रब रहमान इस रमजान दी बहार नसीब फरमा और इस दी नेकी समेटन दी तौफीक अनायत फरमा। ए दुआ अल्लाह दे नेकोकार बंदियां दी अल्लाह दे औलिया दी ए दुआ सी, बल्के असलाफ दी ए दुआ दे अंदर ए इल्तिजा भी शामिल होया कर दी कि ओ माहे रमजान तो छे माह कबल, किन्ने माह कबल, छे माह पहला दुआ कर दे सी अल्लाह ए माहे रमजान दियां बहारां खरीयत नाल वेखनियां नसीब फरमा। और माहे रमजान गुजरन तो बाद अगले छे माह दुआ कर दे सी अल्लाह जो माह रमजान दियां नेकियां और तेनू राजी करन लई इबादतां कीतियां ने हुण अल्लाह उनू कबूल भी फरमा। क्यों जी नेकी दी तौफीक कौन देंदा है ते कबूल भी अल्लाह दी जात ही कर दी ये बड़ी सोहनी इल्तिजा है। ये सआदत दी बात है माहे रमजान दा पाना। और मैनू फिर याद आए उस्ताद मोहतरम कारी उल कुरान कारी नवीदुल हसन लखवी साहब कहो रहमतुल्लाह अपने जलसियां दे अंदर तिलावत करन वास्ते आया करदे सी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो कराची दे वास्ते महफिले हुस्ने किरात दे अंदर अल्लाह दे कुरान दी तिलावत सुनान दा अजम है और सफर दा कसद है और माहे रमजान दे अंदर मालदीप दे अंदर ओना जजीरियां दे अंदर अल्लाह दे कुरान दियां आयात सुनांदे सी और हजरत कारी साहब दी आवाज सुनन वास्ते मालदीप दे गवर्नर सदर वजीर जैसे लोग भी कुरान सुनन लई आंदे सी। ए कुरान दियां बरकतां ने तो हजरत उस्ताद मोहतरम दी इस महीने भी तैयारी सी लेकिन दो हफ्ते कबल उन्होंने अजल दा पैगाम आ गया। दाईए अजल नु लबई कह गए
उत्तों आवाज आउंदी है मेरे बंदे तू दुनिया ते कुरान सुना के लोगां दा सीना ठारदा रहा इरजी इला रब्बिक हुन रमजान इस जहान ते नहीं बल्कि तुसी मेरी जन्नत दे मेहमान होवोगे कहो इंशाल्लाह। तो ए अहबाबे गिरामी बीसियों मसाला मेरे सामने मौजूद ने ए गड़ियां पाना सआदत और नसीब दी बातें तो इस वास्ते अपने आप नु खुशबख्त जानिए और नेकी दी तौफीक दे तालिब बन जाइए और माहे रमजान दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन नु राजी करन दा अजम कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रजा हासिल करन दा अज़्म मुसम्मम कीजिए। आइए आज दे खुतबा दे अंदर चंद दे गुजारशात मैं जरूरी समझना कि ओना नू बयान कीता जाए बतौर तस्कीर ओना दी याद दुहानी कराई जाए कि असी माह रमजान दा इस्तकबाल किवें करना है। माहे रमजान दी आमद ते असी केड़े आमाल और केड़े महासिन अपने अंदर पैदा करने होंगे। आइए कुरान सुनना और इस माहे मुकद्दस दे अंदर अल्लाह दी रजा हासिल करन दा पुख्ता इरादा करके जाना इंशाल्लाह रमजान आएगा और असी नेकियां दे खजाने समेटन दी आज ही नियत करांगे। बोलो पक्की नियत करोगे ना? जेड़ा बंदा नियत कर लवे इरादा कर लवे अगरचे ओने ओ अमल कीता नहीं लेकिन ओदी नीयत पक्की सी। अल्लाह फरमांदे ने फरिश्तेओ एदी नीयत वल वेख के मैं ओनू पूरा अजर अता फरमा दिता है। इस वास्ते अजम कीजिए पुख्ता नीयत कीजिए कि आज जो गल्लां सुनिए ओनू असी दिल दिया तख्तियां ते नोट करके उस दे मुताबक रमजान गुजारिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान की ऐलान करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसारियो इला मग़फिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल्मुत्तकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जल्दी कीजिए दौड़िए अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रजा हासिल कीजिए अपनिया दुनिया दिया ख्वाहिशात नू छोड़ के दुनिया दिया आरजुआ नू छोड़ के दुनिया दी तलब ते हिरस नू छोड़ के वसारियू इला मगफिरतिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों मगफरत तलब कीजिए नेकी ते हिदायत दे तालिब बन जाइए और जन्नत दे हुसूल वास्ते कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जल्दी कीजिए और अपने आप नू मुस्तैद कीजिए। अल्लाह जल्दी क्यों करनी है दौड़ क्यों लगानी है मुस्तैद क्यों रहना है? जिंदगी ते अल्लाह बड़ी तवील है 60-70-50 साल 100 साल दी जिंदगी है फिर अल्लाह कादी जल्दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान की ऐलान करता है
अल्लाह फरमांदे ने वा सारियु इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्ना, उस जन्नत दे हुसूल वास्ते अपने खालक दी रिजा वास्ते मगफरत ते बख्शिश तलब करन वास्ते ना तुसी अपनी जवानी दा इंतजार करो, ना सुबह ते शाम दा इंतजार करो, ना बुढ़ापे दा इंतजार करो, ना महीनियां ते सालां दा इंतजार करो। जल्दी करो, मुस्तैद हो जाओ, नेकी दी तलब पैदा करो, जन्नत दे हुसूल दी लगन पैदा करो। अल्लाह फरमांदे ने ओ जन्नत ते मगफरत मैं तैयारी नेकोकारा वास्ते रोजेदारा वास्ते बना छड़ी। इस आयत दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दी हकीकत नू ही बयान फरमाया है। तुसी जल्दी करदे हो दुनिया दे मामलात दे अंदर, दुनिया दी शोहरत कमान वास्ते जल्दी है, दुनिया दे पीछे दौड़े, माल ते दुनिया दा खजाना जमा करन वास्ते तगो दोए। अल्लाह फरमांदे ने तुहानू सबकत इख्तियार करनी चाहीदी है, आगे बढ़ना चाहीदा है, मुस्तैद रहना चाहीदा है, और तुसी अगे वधना है ते नेकी दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जन्नत दे हुसूल दे वास्ते। इस वास्ते मेरे भाई आइए बड़ी मोहब्बत दे नाल अर्ज करना चाहना, माहे रमजान दे अंदर नेकी च सबकत कीजिए। अगर मेरे भाई आगे बढ़न दा शौक है फिर नेकी दे अंदर आगे बढ़िया कर। कुरान कहंदा है फस्ता भी कुल खैरात, नेकी च आगे बढ़िए, नेकी दा ज़ौक पैदा कीजिए। काबले रशको बंदा नहीं जेड़ा दौलतां दे पिछे जागीरां दे पिछे सुबह भी दौड़ लगांदा है, शाम भी दौड़दा है, और दुनिया कमान दे पिछे दौड़िया फिरदा है। ओ बंदा कामयाब नहीं बल्कि कामयाब है जेड़ा नेकी लई दौड़दा है, नेकी वास्ते जल्दी करदा है, और नेक मिशन दे अंदर आगे बढ़दा है। ओ बंदा सादत मंदे काबले रशक है। अगर किसे ते रशक करना है ना, हसद करना ते जायज ही नहीं। रशक उस बंदे ते कीजिए जेड़ा नेकियां ज्यादा करदा है, जेड़ा माहे रमजान कई कई मरतबा कुरान पढ़दा है, कई कई नवाफल पढ़दा है, सदकातो खैरात करदा है, घंटों अल्लाह दी इबादत करदा है। उस बंदे ते रशक कीजिए, नेकी करन वाले बंदे ते नास कीजिए, और हसद करन दे नाल कुछ नहीं जे मिलदा। जे किसे दी जवानी पारसा देखो, जे किसे नू अल्लाह दे दीन दे नाल जुड़िया वेखो, और ओदी नेकी दी जुस्तजू वेखो, ओंदे ते रशक करिया करो। अल्लाह इंदे वांग मैनू भी नेकी दा जज्बा अता फरमा। अल्लाह जानदा है कई नौजवानां नू देखीदा है, ओना दे दिल दे अंदर इबादत दी एनी लगन है, पहली सफ दे नमाजी। अल्लाह जानदा है ओ नौजवान बड़ा कीमती है जेड़ा वक्त दे नाल पहली सफ दी जीनत बनदा है, और खुतबात दे अंदर पहले लम्हात दे अंदर शामिल हुंदा है। और असी दीनदार लोगों नू वेखीदा है, उना जवाना ते अल्लाह जानदा है दिल बड़ा राजी हुंदा है। अल्लाह सानू ए जज्बाते तौफीक अता फरमाए। क्यों भी नौजवानों अल्लाह नाल वादा कर दियो ना इंशाल्लाह पहली सफ दे इबादत गुजार बन जाओ। आइए मेरे भाई माहे रमजान दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन नू मनान दा की तरीका है,
पहले नंबर ते मेरे भाई जन्नत दे हुसूल वास्ते अल्लाह दी जन्नत दे दुखूल वास्ते माहे रमजान दियां बहारां ते सादतां नूं समेटने वास्ते अजरे अजीम दे खजाने पाण वास्ते पहले नंबर ते अखलास दी दौलत पैदा कीजिए अपनी नीयत नूं दुरुस्त कीजिए और अपने जनाब दिल दे जितने भी मेरे भाई आमाल ने नेकी दी मेरे भाई तौफीक है नेकी दा इरादा है ओ लोगां नूं दिखाण वास्ते नहीं कुरान दी तिलावत है लोगां नूं बतलाण वास्ते नहीं अल्लाह जानदा है जदों अखलास पैदा हो जाए नीयत दुरुस्त हो जाए अल्लाह एक छोटे जे अमल नूं ओहद पहाड़ बना देंदा है। एक बंदा अद्धी खजूर ओ इस्तेतात रखदा है खर्च करन दी ओने कोल दौलता नहीं ओने कोल माल मिनाल नहीं लेकिन ओदा जी चांदा है कि नेकी कमाए अखलास मेरा परवरदिगार वेंदा है रब नू रंगां दी ओहदियां दी मालो मनाल दी जरूरत नहीं अल्लाह नू ते सोहनी नीयत दी जरूरत है। जिन्हें करोड़ों खर्च किते नीयत सी के लोग मैनू मालदार कहन सखी कहन और मेरी दौलत ते नास करन या मेरा शोहरत ते चर्चा हो जाए उन्दी पहाड़ा जैसी नेकी भी अकारत कर दिती जाएगी ते अखलास नाल दिती अद्धी खजूर भी ओद पहाड़ बना दिती। इस वास्ते नियतां खालिस कीजिए चाहे एतिकाफ होए रोजा होए कयाम होए सहरो अफतार होए मिसकीना नूं खाना खिलाना होए ये सारे काम किदे लई करने ने बोलो किदे वास्ते करने होंगे अल्लाह दी रिजा वास्ते अनेक अमाल कीजिए। आइए मेरे भाई जे अल्लाह दी जन्नत दे दखूल चांदे हो अल्लाह दी रिजा दा हुसूल चांदे हो अल्लाह फरमांदे ने वा सारी इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्ना अर्जुह समावातु वल अर्ज ओ इद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जड़ी जन्नत मुत्तकीन वास्ते तैयार की थी है अपने मुत्तकीन वास्ते मुखलेसीन वास्ते मोमिनीन वास्ते उस जन्नत दे हुसूल वास्ते मेरे भाई माहे रमजान तो कबल अपनी नीयतां नूं दुरुस्त कीजिए अखलास पैदा कीजिए मेरे भाई नेकी दे हुसूल दे वास्ते अखलास दा होना नीयत दी दुरुस्ती दा होना बड़ा जरूरी है। और अगर मेरे भाई चांदे और रोजे कबूल हो जान हज्जा नमाजां ते सहरियां अफतारियां कबूल हो जान फिर मेरे भाई करना की है माहे रमजान दे इस्तकबाल दे हवाले दे नाल अज दियां गुजारशात मेरे भाई नोट कर दे जाना जे चांदे हो इबादतां कबूल हो जान रोजा कबूल हो जाए सहरियां ते अफतारियां दा मुल पै जाए फिर मेरे भाई हराम दे लुकमां तो अपने आप नूं बचाना है ते शिरक तो अपने आप नूं बचाना है क्योंकि जिहड़ा मुशरिक बंदा है उंदी कोई भी नेकी अल्लाह दे हां कबूल उची बोलो उंदी नेकी कबूल हो सकदी ते जिहदा लुकमा जिहदा पहनना जिहदा खाना जिहदा ओढ़ना जिहदा बिछोना और जिहदा जनाब दुनिया दे अंदर रोजगार ओहदे लेन देन मुआमलात सूद ते मबनी ने लुकमा हलाल नहीं बल्कि नजायज है हराम है उस बंदे नूं अपने लुकमे ते पैरा देना चाहिदा है। एहो जे बंदे दे रोजे इबादतां अल्लाह दे हां कबूल
नहीं जे होनिया। इस वास्ते शिरक तो अपना दामन बचाइए और उलमा तो पूछिए शिरक दियां अकसाम की ने और अपने आप नू शिरक तो बचाइए, हराम दे लुकमा तो अपने आप नू बचाइए। इस वास्ते मेरे भाई नीयत दी दुरुस्तगी ते अखलास पैदा कीजिए। बड़ी मोहब्बत दे नाल अर्ज करना चाहना, जे चांदे हो माहे रमजान दियां सादता मिल जान, माहे रमजान दियां बहारा मिल जान, फिर मेरे भाई करना कीए हर अमल, चाहे ओ कयाम होए, सयाम होए, सहरी होए, अफतारी होए, तहज्जुद होए, मेरे भाई कोई भी नेक अमल होए, ओ मेरे पाक नबी मोहम्मद दी सुन्नत दे ताबे होए। कवो सल्लल्लाहो, फिर कवो मोहब्बत दे नाल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम। कोई भी अमल सरकार दी सुन्नत तो बगैर और आप दी सुन्नत दे मुताबिक ना होए ओ कबूल हो सकदा। इस वास्ते सहरो अफ्तार दे औकात और दीगर मुआमलात, ए जितने भी मसाइल ने, शाबान होए, रमजान होए, मुहर्रम होए, सफर होए, अमल ओ होई कबूल होएगा जिदे ते मेरे पाक नबी दी मोहर मौजूद होए। कई मजाहब ऐसे ने ओ कहंदे ने जी मकरब दे वक्त नहीं, बाद दे अंदर और भूख प्यास बर्दाश्त करनी चाहिए दिए। ईमान नाल दसो जे कोई बंदा मगरब दी बजाए इशा दे वक्त ओ 12-14 घंटे दी बजाए 24 घंटे दा रोजा रखेगा, ओ गुनागार होएगा के अजर दा हकदार होएगा? गुनागार होएगा ना। फिर पता की चलिया हर अमल जिदे ते मेरे पाक नबी दी मोहर मौजूद है ओही अल्लाह दे हां मकबूल होएगा। इस वास्ते मेरे भाई जे चांदे हो जन्नत मिल जाए, अल्लाह दी रिजवान मिल जाए और बख्शिश दा ऐलान हो जाए, रमजान साडे वास्ते मगफरत दा समान बन जाए। कुरान की कहंदा है वा सारी इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्ना अरजुह समावातु वल अर्ज ओ इद्दत लिल मुत्तकीन। फरमाया उस जन्नत दे हुसूल वास्ते जल्दी कीजिए, सबकत इख्तियार कीजिए। मेरे भाई बड़ी मोहब्बत दे नाल अर्ज करना चाहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे औलिया दा अमले, अंबिया दा अमले, सहाबे किराम दा अमले, ओ कोई भी नेकी करना चाहते सी ते नेकी दी तौफीक ते हिदायत दे तालब भी होया करदे सी। इस वास्ते मेरे भाई आ चंद दिन जिहड़े बकिया ने अपनिया दुआवां दे अंदर, नमाज दिया दुआवां दे अंदर चलदियां फिरदियां ए दुआ करनी है, अल्लाह रमजानुल मुबारक दे अंदर नेकी दी तौफीक अता फरमा, अल्लाह नजायज कम्मा तो शैतानी वसावस तो, अल्लाह अपनिया ना फरमानिया तो शैतान दिया ना पाकियां तो बचा के इबादत दी तौफीक अता फरमा। इधर वेख नजर अल्लाह दे नबी भी नेकी दी दुआ मंग देने, एक नबी तख्ते बैठे दुआ कर देने, सलमान अलैहि सलाम, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया वाला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरज़ाहू व अस्लिह ली। अल्लाह सोनिया मैनू ने कमाल दी तौफीक अता फरमा, अपने वालिदैन दी शुक्र गुजारी ते कदर दी तौफीक अता फरमा। इस वास्ते मेरे भाई माहे रमजान दे अंदर भी और उस तो कबल भी मेरे भाई माहे रमजान दे अंदर नेकी दी तौफीक तलब कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हुजूर नेकी दी दुआ कीजिए। अल्लाह नेकी दी तौफीक भी तू देने वाला है ते बुराई तो भी तू ही बचाने वाला है। अल्लाह जेड़ा सादता वाला महीना माहे रमजान
ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾ ਸਾਰਿਊ ਇਲਾ ਮਗਫਿਰਤਿਮ ਮਿਰ ਰੱਬੀਕੁਮ ਵਾ ਜੰਨਾ ਅਰਜ਼ੂ ਹਸਮਾਵਾਤੁ ਵਲ ਅਰਜ਼ ਔ ਇੱਦਤ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀ। मुस्तैद हो जाइए, तैयार हो जाइए, जल्दी कीजिए, दौड़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रहमत दे दरवाजे खुलने वाले ने, जन्नतां दे दरवाजे खोल दिते जाणगे, शैताना नू जकड़ दिता जाएगा, अल्लाह दी दोजख दे दरवाजे बंद कर दिते जाणगे, अल्लाह बख्शिश दे बहाने बना रहे होणगे। और मेरे भाई, अल्लाह दी तरफों रहमतां ते बख्शिश ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਮਿਨਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ? ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਕੀਜੀਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਜੀਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੀਜੀਏ, ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਕੁਫਰ ਜੈਸੀ ਹਰਾਮ ਜੈਸੀ ਅਦਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੀਜੀਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਤੌਫੀਕ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਜੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਬਲ ਸਾਬਕਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਜੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ, ਬੜੇ ਖਤਾਕਾਰਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਨੇ ਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਬਚਾ ਲੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਨਗੇ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਏ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਖਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀਏ। ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਏ? ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ? ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਦੀਮਾਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਦਾਮਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਾਫ਼ੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਐਸਾ
अल्लाह फिट कीता है कि मैं तेरी नीयत नू जानना कि तू पक्की नीयत दे नाल तौबा कर ली है। मैं तेरे पहले गुनाह ता माफ करने ही सी, हुण मैं तेरे गुनाहां नू नेकियां बना के तेनू माहे रमजान दा तोहफा ता फरमा दिता। इस वास्ते मेरे भाई छड़ दियो गुनाहां दी लज्जत, मेरे भाई ख्वाहिशां दे पीछे कितने लोग ने जिन्ना ख्वाहिशात दे अंदर मेरे भाई जवानियां गुजार लियां, जिन्ना ख्वाहिशात दे अंदर अपनी उम्र नू गुजार लिया। कुरान की कहंदा है अल्हाकुमुत्तकासुर, ओए बंदिया तेनू कसरत दे लालच ने हला कर दिता है, तेरी उम्र मुक जांदी है, तू कब्रां दे किनारे ते पहुंच जाना है, पर तेरियां ख्वाहिशां जवान रहिंदियां ने। ओए ख्वाहिशां करनियां ने ते इंज दी ख्वाहिश कर, अल्लाह जन्नत भी होवे ते जन्नत दे अंदर सोने नबी दा साथ भी होवे, सहाबा किराम दा संग साथ भी होवे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह ख्वाहिश एहो जी कीती जाए कि तेरा दीदार हो जाए, अल्लाह तेरी मोहब्बत शामले हाल हो जाए। जो मेरे भाई अल्लाह दी रिजा हासिल करन दा इरादा ते नीयत करेगा, अल्लाह दुनिया ते भी इज्जत बनाएगा, आखरत दे अंदर भी मकाम अता फरमाएगा। इस वास्ते मेरे भाई माहे रमजान दा इस्तकबाल चाहना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों अपने गुनाहां दी अज ही माफी मंग लै, तौबा नसूहा कर लै। ऐसा ना होए कि माहे रमजान भी आ जाए ते गुनाहां दी मेरे भाई दिल दे अंदर तलब भी बाकी रवे, फिर रमजान दी लज्जत ते बहार नसीब नहीं होएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह और अमाल केड़े बजा लाने होंगे। आइए मेरे भाई चंद मिनटा दे अंदर अमाल दसना चाहना, माहे रमजान दी तैयारी कीजिए, किवें कीजिए। माहे रमजान दे आन तो पहला अपने दिलां नू पाक कीजिए, हसद तो पाक कीजिए, बुगस तो पाक कीजिए, निफाक तो पाक कीजिए, दुश्मनी तो पाक कीजिए, कुदूरत तो पाक कीजिए, बुगस तो पाक कीजिए। अपने दिलां नू माहे रमजान तो पहला हर तरह दी खबासत ते नजासत तो पाक कीजिए। अल्लाह नू पाक दिल पसंद है, मेरा अल्लाह भी पाक है, ओ दिल भी पाक पसंद करता है। रुसियां नू मना लीजिए, मां बाप दे नाल नाराज़ है, उन्हां दे कोल जाके उन्हां दी रजा हासिल कीजिए। बहन भाइयां दे नाल नाराज़ है, उन्हां दे नाल सुलो दे अंदर पहल कीजिए। दोस्तां दे नाल नाराज़ है, उन्हां नू दस्तरखान ते बिठा के खाना खिलाइए, और अल्लाह दे हुजूर सवाल कीजिए कि माहे रमजान तो पहला शाबान दा सी आखरी खुतबा सुनिया है, एक तालिबे इल्म दा पैगाम सुनिया। मेरे भाई इस मुहब्बत नू इस फिजा नू आम कीजिए, जे माहे रमजान दियां रातां दी फजीलत ते इबादत दा अजर चाहना है, अल्लाह दी कसम है दिलां चो हसद ते बुगस ते नफरत नू पाक कर लै, अपने दिलां दी तदहीर ते तकदीस दा समान कर लै। अल्लाह फरमानगे मेरे फरिश्ते ओ इन्हें एक रोजा रखे आए, मैं एक रोजे दे बदले दे अंदर सारे साल दी नेकी दा अजर अता फरमा दिता है। वो अजर कदों मिलेगा? जदों मेरे भाई दिलां दी पकीजगी दा समान हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इंज माहे रमजान दा इस्तकबाल कीजिए। चन्न चढ़िया माहे रमजान दाए, दुआ करो अल्लाह घड़ियां नसीब फरमाए। और ये सादतां वाले लोग बैठे हो जिन्हां नूं अल्लाह ने सादतां दोबारा अता कर दित्तियां ने। चन्न चढ़िया माहे रमजान दाए, कहो इंशाल्लाह, गूंज पै जाए, कहो इंशाल्लाह। चन्न चढ़िया माहे रमजान दाए, चन्न चढ़िया माहे रमजान
मेहमानदाए मेरे अल्लाह दे मेहमानदाए आइंदा जुमा मेरे भाई तुसी इस जनाब मुकद्दस सात दिन दर माहे रमजान दे अंदर दाखिल हो चुके होवोगे ओनी देर तक मेरे भाई दुआ करनी है दिलां दी तत्हीर करनी है गुनाहां दी तौबा ते मेरे भाई अल्लाह दे कोलों नेकी दी तौफीक तलब करनी है चन चढ़िया माहे रमजान दाए मेरे अल्लाह दे मेहमान दाए किसे नू ईदां दे चाने किसे नू सालगिरह दा चाए किसे नू जनाब अपनी फेवरेट टीम दी जीत दा चाए किसे नू अपनी जनाब दुनिया दी पसंदीदा ख्वाहिश पूरी होन दा चाए अल्लाह असी ओ लोग बैठे हां जिन्नू तेरे आन वाले मेहमान दी चाहते खुशी है फिर कह देना चाहना मोहब्बत दे नाल चन चढ़िया माहे रमजान दाए मेरे अल्लाह दे मेहमान दाए होइया बंद शैतानिया शैतान दिया वाह वाह रोन का माहे रमजान दिया वाह वाह रोन का माहे रमजान दिया मेरे अल्लाह दे मेहमान दिया ते सुनो अल्लाह दा मेहमान माहे रमजान माहे फौजान माहे गुफरान अल्लाह दा मेहमान एक कीमती महीना रब दी मगफरत ते बख्शिश दा खजीना है दिल मोमिना दे पुरनूर होए सुबहान अल्लाह कैसियां कीमती गड़ियां ने दिल मोमिना दे पुरनूर होए विच खुशियां दे मसरूर होए सुन सुन के आयतां कुरान दियां वाह वाह रौन का माहे रमजान जिन्हों खुशी है जिदे दिल दे अंदर चाए मिलके जरा वाह वाह रौन का माहे रमजान दिया मेरे अल्लाह दे मेहमान दिया और मोहब्बत दे नाल हुक्म दी तमील करदा जावां ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरान तेरा आना मुबारक हो कहो इंशाल्लाह रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरान तेरा आना मुबारक हो ए रहमतां दा खजीना है रब दा मेहमान महीना है तेरा हर दिन निराला है तेरा हर दिन निराला है तेरी हर रात प्यारी है तुझी में आया है रब का कुरान तेरा आना मुबारक हो ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो मुंतजिर थे तेरे ईमान वाले ए माहे रमजान मुंतजिर थे तेरे ईमान वाले कुरान वाले तू प्यारा रब को जी तू प्यारा रब को तू प्यारा सब को तुझी में हुआ है जन्नत का ऐलान तेरा आना मुबारक हो ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक
मुबारक हो। मेरे पाक नबी शाबानुल मुअज्जम दे हुरवी दिनां दे अंदर मिंबर लगवा के सहाबा नूं माह रमजान दियां फजीलतां सुनाया कर दे। इस वास्ते मेरे भाई जे तू नफल अदा करना है और नवाफल अदा करन दा आजम कर लै, नमाजां दे अंदर सुस्ती छोड़ के पहली तक मेरे भाई तकबीर ते सफ दा आदी बन जा, छोड़ दे खुतबा ते जुमा दी सुस्ती, छोड़ दे मेरे भाई नमाज दी गफलत ते सुस्ती छोड़ दे। अल्लाह अकबर अल्लाह, ए माहे रमजान अल्लाह दा मेहमान आ रहा है। ऐ मेरे भाई दुनिया दे अंदर असूल है, दुनिया दा दस्तूर है, इत्थे जनाब घर दे अंदर मेहमान आने होन, मेहमाना दे आमन तो पहला मेरे भाई जाहरी सफाइयां हुंदियां ने, और तू अल्लाह दे मेहमान दे आन तो पहला दिल दियां सफाइयां कर ले। मेहमान दा इकराम हुंदा है, ओदी तज़ीम ते ओदे आन दी खुशी हुंदी है। जिन्ना को कीमती मेहमान होए ओनी को मेरे भाई ओदी कदर हुंदी है, ओना ओदा एहतराम भी ज्यादा हुंदा है। ए अल्लाह दा मेहमान है, ए मेरे भाई दुनिया दे अंदर किसे रईस दा मेहमान नहीं, किसे सदर वजीर दा मेहमान नहीं, किसे मुहल्लेदार दा मेरे भाई मेहमान नहीं, ए रिश्तेदारां वाला मेहमान नहीं, ए मेहमान रब्बुल आलमीन दा मेहमान है। जिन्नू जिन्ना जिन्ना रब दे नाल रहमान दे नाल प्यार होएगा, ओ नहीं रब दे मेहमान दा मेरे भाई इकराम ते एहतराम भी करेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस वास्ते मेरे भाई बा जमात नमाज दी मेरे भाई पाबंदी दा अहद कर लैन, साफ का गुनाहों तो तौबा ते इस्तिगफार कर लैन, और एक होर अजम करना है मेरे भाई, ए मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे इस माहे रमजान ते मेहमान दा कदर ते एहतराम किवें कीता जाए, कि माहे रमजान दे अंदर ज्यादा तो ज्यादा वक्त अपनी इबादत दे अंदर रब दी रिजा दे अंदर गुजारना है, और अपनी शॉपिंग, अपने लेन देन, अपने मुआमलात, जितने भी मसाइल ने कोशिश करो हत्तुल वुसा के एक हफ्ता दे अंदर आने वाले जुमातुल मुबारक तो कबल समेट के रब दी रजा वास्ते एक महीना निकालिए, और दीनी मजालिस दे अंदर, दीनी इज्तिमाआत दे अंदर, दुरूसुल कुरान दे अंदर, तर्जमातुल कुरान दी क्लास दे अंदर, यानी दीन दिया महफलां दे अंदर ज्यादा तो ज्यादा वक्त गुजारना है। ते मैं हदीस पढ़ रहा सां, मेरा जी चाहता है मैं तुहानू हदीस सुना देवां। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत अबू उमामा कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो तो हदीस पाक साबत है। मेरे सोने नबी ने फरमाया तरगीब दी रिवायत है, जेड़ा बंदा दीन दी मजलस दे अंदर बैठदा है, जेड़ा बंदा दीन दी महफल दे अंदर बैठदा है, मेरे भाई अज मुआशरे दा उसूल की बन गया है। जिन्ना खुतबा नू उलमा नू इश्तहार छाया करवा के उन्हां दा वक्त लैके और उन्हां दी डिमांड नू पूरा करके बुलाया जाए, उन्हां दी कॉन्फ्रेंस दा मेरे भाई एहतमाम हुंदा है, स्टेज लगदा है, ते जिहड़े अल्लाह दे दीन दी बेलौस खिदमत करने वाले, जिहड़े अल्लाह दे दीन दा पैगाम लैके बैठने वाले, और मेरे भाई उन्हां दा दरसे कुरान दा ऐलान होए, पहले असी बंदा वेखने आं कि इस बंदे दी गुफ्तगू कैसी, अंदाजे बयान कैसा है, फिर ताल्लुक वेखने आं, फिर उहदा कद काठ वेखने आं, सानू बंदा चंगा लगे और बंदे दी आवाज ते लबो लहजा चंगा लगे या उहदा पापूलर होना चंगा लगे, असी फिर दीन सुनने आं। असी जिहड़े मिटे होए मिसकीन रब दे दर्दे, जिहड़े अल्लाह दी हुसूल दे तालिब ने अपना वक्त लगा के, अपना पैसा खर्च करके, ना रुपए पैसे दे तालिब ने, ना दौलत दे तालिब ने, ना इश्तिहारात दे तालिब ने, असी उन्हां दी गुफ्तगू नू सुनन लई तैयार नहीं हुंदे। इत्थे सारे मेरे नाल वादा करो कि जदों भी अल्लाह दे दीन वास्ते कोई मेरे जिहा तालिब इलम आए, कोई आलमे दीन आए, या कोई नामवर खतीब आए,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਹੋਏ, ਖਿਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਆਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਤਸਨਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਦੀਨੀ ਮਜਾਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਜਤਿਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੀ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਾਬਰਕਤ ਉਹ ਮਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਜੁਮੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਖੋਲੋ ਰਜਿਸਟਰ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅਜਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਲ ਮੁਬਾਰਕ ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰੂਸੁਲ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਲੇ ਦੀ ਯੂਥ ਫੋਰਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਕਰੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਇਲਮ ਚ ਆਣਗੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਚ ਵੀ ਰੌਣਕ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਇੰਦਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਿਮਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਮਾ ਹੱਕੋ ਹੂ ਇਹਤਰਾਮ ਤੌਕੀਰ ਕਦਰ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।